देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस। क्लास 10 साइंस का मतलब क्या है कि हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10 साइंस में हम लोग को मेनली एग्जाम्स हफ्ते के 2 मार्च को है, बीच में इंग्लिश का एग्जाम है। आप लोग चाहें तो थोड़ा बहुत साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम लोगों को क्लास 10 साइंस के लिए जो सब क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप पी वाई क्यू जरूर लगाए होंगे। पी क्यू और पी वाई क्यू नहीं लगाए हैं, पी वाई क्यू का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको आप जरूर से लगाएं 10 इयर्स का। और सैंपल पेपर्स पे तो बिल्कुल ना ध्यान दें। सैंपल पेपर्स देखिए, मार्केट में बहुत तरह के सैंपल पेपर्स हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है, और हमारा तो सजेशन है कि आप सैंपल पेपर्स ना लगाएं, उससे ज़्यादा कुछ एडवांटेज आपको नहीं मिलना है। आपको लगाना है पी वाई क्यू लगाइए, जिससे कि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो आपको चीज़ लगाना है, क्या करना है, आप एनसीईआरटी की बुक को थॉरली जरूर से पढ़ें। एनसीईआरटी बुक, इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी में देखेंगे बॉक्स टाइप का बनाकर एक्टिविटीज दिया रहता है, एक्टिविटी को पढ़ें और इसके एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर्स को तो जरूर से पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इससे बहुत ज़्यादा आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना है, आप अपने स्कूल के क्लास कोचिंग क्लासेस के क्लास नोट्स को जरूर से पढ़ें। सारे बच्चे लगभग बनाए होंगे नोट्स। बच्चे क्या करते हैं कि पूरे साल भर स्कूल में नोट्स बनाते हैं, कोचिंग में नोट्स बनाते हैं, और लास्ट में एग्जाम्स के समय क्या करते हैं, उस नोट्स को फॉलो नहीं करते। लेकिन वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पूरे साल भर का आपका मेहनत है, उस नोट्स को आप थॉरली जरूर से पढ़िए। ये 3 टिप्स को आप फॉलो करिए, एग्जाम्स में साइंस के आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और साइंस जो है बहुत ईजी है। आप ये 3 चीज़ को जरूर से फॉलो करिए।